घर भर दिया, अब क्या पौधे अपने स्वर में लगाओगी? भाई अक्सर ये जुमला मुझे सुनने को मिलता है, और हो सकता है कि मेरे साथ साथ आप में से भी कई सारे लोगों को ये प्यारा सा जुमला सुनने को मिलता हो। तो आज अगर मैं कुछ ऐसा आइडिया बताऊं कि इस प्यारे से जुमले का हम लोग जवाब दे सकते हैं अपने प्यारे से तरीके से, और जो लोग हम पे जुमला कसते हैं ना, उनका जुमला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नमस्कार, और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्टी बेस्टी पर। और अब दिखाती हूँ वो कौन सा प्यारा सा आइडिया है जिससे हम सब लोगों का अपना मुंह बंद करेंगे। वो रहा ये, देखिए हम लोग जवाब कुछ इस तरह से देंगे कि आपने बोला था कि क्या मैं अपने सर में लगाऊंगी, तो जी हाँ मैं तो अपने सर में तो लगाऊंगी ही लगाऊंगी, और अगर आपने ज्यादा इरिटेट किया तो देखिए आपके भी सर में मैं पौधे लगा दूंगी, ये कुछ इस तरह से। तो जो भी हमारे ऊपर फप्तियां कैसे गए ना, तो हम लोग इस खूबसूरत से अंदाज में देंगे उसका जवाब। और यकीन मानिए जो लोग हमें चिढ़ाते हैं कि हम लोग अपने सर में पौधे लगाते हैं, तो उन लोगों के भी चेहरे पे एक होगी हल्की सी स्माइल, क्योंकि खूबसूरत सा आइडिया वो भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। खूबसूरत सा आइडिया उनको भी पसंद आएगा जो हम लोग को हर समय चिढ़ाते रहते हैं। जाहिर है कि हम लोग आपस में, या तो हम अपने हस्बैंड से ये सुनते हैं, ये जो हस्बैंड लोग होते हैं वो अपनी बीबियों से सुनते हैं कि क्या अपने सर में लगाओगी, क्या अपने सर में लगाओगे, कुछ इस तरह का। देखिए मेरा बेटा भी कई बार इरिटेट करता है, मुझे बालकनी में बंद कर देता है और बोलता है आप अपने बच्चों के साथ ही रहो, बालकनी में रहो। तो देखिए मैंने उसके भी सर पे लगा दिया, और दोनों के चेहरे पे थी एक प्यारी सी स्माइल, एक खूबसूरत सा अपना प्लांटर देख के। तो देखिए आज यही हम लोग फोटो प्लांटर बनाएंगे, बहुत आसानी से 2 मिनट में, 2 मिनट के आप 1 मिनट में ही बना पाएंगे। बस आपको अपने कीमती समय से निकालने होंगे 2 मिनट, और बस मिनटों में आपका ये बन जाएगा फोटो प्लांटर। और देखिए इसको बनाने के लिए एक ये मैंने लिया हुआ अपना ग्लास का जार, मेरा शहद का 1 किलो का है, और आप अपना साइज डिसाइड करेंगे कि आपको किस साइज का बनाना है। साथ ही साथ ऑब्वियसली हमें कुछ फोटोज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा है फोटो प्लांटर। कुछ एक दो फोटोज मैंने निकाले हुए हैं, और साथ ही साथ देखिए ये है हमारी क्लिंग फिल्म। तो क्लिंग फिल्म का यूज मैं नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आपके लिए दिखा रही हूँ कि आपको अगर डाउट है कि आपकी फोटोज में सीलन चली जाएगी, तो कुछ इस तरह से इसकी आप एक लेयर लगा सकते हैं, तो आपकी जो फोटोज होंगी वो पूरी तरह से हो जाएंगी सुरक्षित। और आप फोटो का साइज आप देख लें, अगर कुछ आपकी ऊंची नीची होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं, तो आप सीजर की मदद से इनको काट के आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं। मेरी कुछ बड़ी हैं तो मैंने सिर्फ 2 ली हुई हैं, और अगर आप छोटे साइज की लेंगे थोड़ी सी, तो इसमें चारों साइड पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी 4 एडजस्ट नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा था, तो मैंने सिर्फ ली हुई हैं 2। बस फोटोज हम अपने इस जार के अंदर डाल देंगे कुछ इस तरह से। अगर आपको हाथ डालने में मुश्किल हो रही है, तो आप कोई भी पतली चीज लें और उससे इसको नीचे तक सेट कर दें। बस अब हम लोग लेंगे थोड़ा सा सेलो टेप, सेलो टेप अंदर की साइड से हम लोग लगा देंगे, तो बहुत अच्छे से इसमें ये फोटो हमारी चिपक जाएगी। ये देखिए नीचे तक आपका हाथ नहीं जा रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप ऊपर से थोड़ा सा साइड से इसको 2-4 जगह टेप लगा देंगे, तो आपकी फोटो कहीं नहीं हिलेगी, आपकी फोटो जैसी आपने चिपकाई है बिल्कुल हूबहू वैसे ही रहेगी। देखिए एक मैंने चिपका ली, साइड से भी इसने थोड़ा सा कवर किया हुआ, इसीलिए मैंने ली हुई थी सिर्फ 2 फोटो, क्योंकि अब भी इस समय फोटोज भी हमारे लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए अब एक ये लिया हुआ मैंने अपना ग्लास, ग्लास की जगह आप कोई भी प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं, पर हाँ ट्रांसपेरेंट लें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए अब भी मैंने इसमें ग्लास डाला, पर नेक्स्ट टाइम जब मैं इसका पानी चेंज करूंगी तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है ग्लास को निकालने में, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से स्टोन्स, जिससे कि ग्लास हमारा थोड़ा सा ऊपर आ जाए और इसको निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए अब बहुत आसानी से निकल रहा है। बस अब मैं इसमें लगा देती हूँ अपना मनी प्लांट, आपकी जो भी मर्जी हो, जो भी पौधे आपके पानी में सर्वाइव कर सकते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। बस देखिए मैंने तो लगा दिए सर में पौधे, और अगली बारी आपकी। हाँ एक काम और करना है आपको, जब भी आप इसका पानी चेंज करें तो इस ग्लास को आप अच्छे से कपड़े से पोंछ दें, ग्लास में नमी नहीं रहेगी, तो आपने जो फोटोज लगाई हैं तो फोटोज आपकी कभी नहीं खराब होंगी, जैसे आपने अभी लगाई ऐसे ही हर समय रहेंगी। तो उम्मीद है कि छोटा सा क्विक सा आइडिया जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दी हाजिर होती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें, और इसी तरह से खुश रहें। थैंक यू।